ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है मुंब्रा के अमनाबाद इलाके में। आपको जिस तरह से हमने तस्वीरें दिखाई थी अमनाबाद इलाके की, यहाँ पर जिस तरह से काफ़ी जल भरा हुआ था, लोग काफ़ी परेशान थे। हालांकि जो यहाँ के स्थानीय लोग थे, उन लोगों ने उनकी काफ़ी मदद की, लेकिन फिलहाल जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं क्या उनके पास यहाँ का कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि उनके पास मदद के लिए आया या नहीं आया। जो यहाँ पर तमाम महिलाएँ हैं, जिस तरह से उनके घर में पानी गया था, उनके सामान नुकसान हुए, जिस तरह से वो लोग ऊपर के जो चौल है उसमें गए थे रहने के लिए, कुछ अपने रिश्तेदार के यहाँ चले गए थे रहने के लिए, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से इन लोगों का नुकसान हुआ है, हम उन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। खाला, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शमशाद भी। आपके घर में भी पानी आया था? हाँ, मेरे भी घर में पानी आया था। मेरा फ्रिज खराब हो गया, मेरा चिड़िया सब मर गई है। कितनी चिड़िया थी? सात चिड़िया थी, लोबर थी। और ये सोफा में 6000 का लाई थी, वो खराब हो गया। और ये सारा मेरा बिस्तर है, वो खराब हो गया। कम से कम आपको मदद के तौर पर कोई यहाँ आया? यहाँ के जो नगर सेवक है, जनप्रतिनिधि, वो लोग आए क्या आप लोगों को कुछ मदद करने के लिए? कोई नहीं आया मदद करने, खाली एक खाना दे रहे, बिस्किट दे रहे, पानी दे रहे। तो दवाइयाँ, दवा वगैरह आप लोगों को मिल रही है? नहीं, कुछ नहीं मिल रही। अब मेरा कोई भी नहीं है। मेरे आदमी को अभी 16 तारीख को 2 साल हो जाएगा, इंतकाल हो गया मेरे आदमी का। मैं अकेली औरत हूं, अक्का दिन में काम करती हूँ। सब फ्रिज सब आंधी पड़ी, वॉशिंग मशीन पड़ी है अभी। हाँ, फिर टीवी का सब खत्म हो गया, क्या करेंगे? आपको खाना पीना कहीं से मिला, कोई लाकर दिया? कल 2 पुलाव का मेरे को मिला था, फिर मैं चली गई, पानी भर रहा था ना, सब बोले बुढ़ी मर जाएगी, तो मेरे को उठा के उधर फेंक दिया। ओ, हाथ की गाड़ी। कोई नगर सेवक यहाँ का और कोई नेता आया था? कोई नहीं आया। तो कौन, एक औरत आई थी, बहु में वो बोल रहे थे अभी ना, उनका तो नाम मेरे को मालूम नहीं। सुनीता ताई क्या बोलते, वो आए थे बोलते। वो इन्हें रूम गिने और वो चले गए, रूम गिनती किए और वो चले गए, उन्हें कुछ बोला ही नहीं। कल से कोई नहीं, रैंडम पीपल जो है वो यहाँ पे सब मदद कर रहे, खाने पीने की। कोई ऐसा नगर सेवक कोई भी नहीं है, वो आ जाए बस, थोड़ा इधर उधर देखे और उन लोग भी चले गए। देखो ना, पूरा 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 घर सब A to Z सामान सब कुछ खराब हो चुका है, कोई आया नहीं। सुबह से पानी भर रहा था, कल भी वो जब ये सब मीडिया आई है तभी वहाँ के लोग भी आए, दूसरे जन जो भी ये नगर सेवक या पता नहीं कौन से थे, उन लोग ही आए थे बस। जैसे कैमरा गया उन लोग भी चले गए, कोई भी नहीं फिर बाद में आए। सुबह तो पूरा सुनसान था, कोई देखी नहीं, पूरा ऐसा लग रहा था कि गांव सब मर चुके। तो जिस तरह से हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी अहमदाबाद की, जहां पर लोगों के घरों में पानी गया था और काफी महिलाएं यहां पर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जब पानी आपके घर में गया था, उसके बाद से यहां के कोई नगर सेवक या और कोई भी आप लोगों से मिलने के लिए यहां पर आया, किसी भी तरह की आप लोगों को मदद की गई? अभी तक तो कोई नहीं आए, खाली आए थे मतलब खाना पीना जो सुबह कल रात तक पहुंचाए थे। अभी फिलहाल दिन में कोई भी आया नहीं है, 2-3 जो यहाँ के हैं जो बड़े लोग, उन्होंने पानी की बोतल वगैरह पहुंचा के गए। जिस तरह से यहाँ पानी भरा हुआ था, लोग काफी परेशान थे। हालांकि जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर काफी पानी भरा हुआ था, यहाँ तक सीने तक यहाँ पर पानी था, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, और इसी बच्चों में से आपको दिखा दें कि एक बच्चा जो है वो पानी में गिरने की वजह से उस बच्चे को जो है काफी चोटें लगी है। क्या नाम है इस बच्चे का? रियाज नाम है। क्या हुआ था इसको? इसको पानी पी लिया, उसमें बहुत बुरा लग गया और थर थराने लगा, पूरा दे आँख चमकाने लगा, सब चमकाने लगा। अभी आपने दवा मंगाया? दवा लेके आई डॉक्टर से, डॉक्टर के पास दवा। बुखार भी है क्या? बुखार भी है, बहुत थर थर रही है, हालांकि आप देख सकते हैं किस तरह से कि बच्चा जो है काफी परेशान है, उसको चोट भी लगी है और बुखार भी है। हालांकि जिस तरह से यहाँ के हालात थे, हमने आपको दिखाया था जिस तरह के यहाँ के हालात थे, उस शासन प्रशासन की तरफ से ना ही यहाँ पर किसी राहत शिविर का इंतजाम किया गया ताकि जो है इन लोगों को कोई भी सुविधा मिल सके। वो अलग बात थी कि जो यहाँ के स्थानीय लोग थे, उन लोगों ने कहीं ना कहीं जो है इन लोगों की मदद की। क्या नाम है आपका? क्या नाम है?
देखो यही तपली का हम लोग पूरे पानी तीन दिन से परेशान है। बच्चे छोटे छोटे बच्चे घर में भी पूरा इतना सारा पानी आ गया, घर में जितने सामान तो खराब हो गया, बच्चे भूख से मर रहे, कुछ भी खाना भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं। देखो कैसा हाल है, देखो आया नहीं आप लोगों को जानकारी लेने की, कुछ भी लेने नहीं आया, कुछ भी नहीं अभी तक। चलो कैसे है बच्चे, नहीं है देखना, देखो आके देख रहा हूँ कैसे हाल में रहे भाई, चलो आके देखना चाहिए कैसे हाल में, बच्चे बीमार हो रहे, तीन तीन बच्चे छोटे, देखो पीने का पानी तक नहीं है, पानी पीने के समय नहीं है मेरे घर में, जरा सा घर से भी पानी आ रहा है, कैसे रहेंगे वही सोच। आप लोगों को दवा वगैरह मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा, तीन दिन कुछ भी नहीं उतरा अभी तक, कुछ भी पानी के खाने भी कुछ नहीं आया हम लोग के, पानी देखो कैसे हाल है पानी के, देखो एकदम बच्चे बीमार हो जाएगा, इतना कचरे, अरे थोड़ा साफ कर रहे लिए बोलो, मेहरबानी है तुम लोग के, इतना हाल खराब हम लोग के, बाप रे बाप। हाँ देखो हमने घर में देखो छोटे छोटे बच्चे सब कितना हाल परेशान है। हालांकि पानी का जो है अब इस समय जो है पानी काफी कम हुआ है, लेकिन और भी यहाँ जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से इन लोगों को जो है तकलीफें हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुश्ताक शेख है, और आप देख सकते हैं जिस तरह से आज ये पानी कम हुआ है, कल पानी यहाँ तक था, और ये इसमें आप देख सकते हैं पीछे कम है, दिखाइए पीछे ये बिल्डिंग हो गई, सब चमड़े का पानी, कुछ चमड़े का पानी आ रहा है, गर्रे का पानी सब मिक्स हो चुका है, हम लोग हमारे घर में रहना मुश्किल हो गया, मेरे घर में टीवी फ्रिज कबाट सब खराब हो चुका है, खाने पीने का सब सामान भर चुका है पानी में, और हमारे घर में अभी तक लाइट नहीं है, ना अभी तक किसी प्रशासन की तरफ से, कोई नगर सेवक ना कोई MLA ना कोई खासदार इनकी तरफ से किसी ने भी हमारा हाल अहवाल नहीं लिया है, हम परेशान हाल है। हमारे एक प्रशासन से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे आगे देखभाल, जो हम सब जगह पूछिए कि यहाँ लोगों को कितना दिक्कत परेशानी है, हमारे आगे मदद कीजिए, फिर हम आके देखने राजी नहीं है, कल आपको से वोट आए तो वोट से वोट वोट में बैठ के आगे तफरी करके जा रहे हैं, सैर सपाटा करके जा रहे हैं, लेकिन लोगों को देखने को राजी नहीं है, हमारे घर में लाइट नहीं है, पानी नहीं है, हम कितने परेशान हाल है, कोई हमारा कोई शुद्ध लेने वाला आदमी नहीं है कोई। तो आपने सुना कि जिस तरह से यहाँ की महिलाओं ने बताया है कि यहाँ अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर इनसे मदद के लिए नहीं आया है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से आम लोग हैं उन लोगों ने लोगों की सहायता जरूर की है, आम लोगों ने रेस्क्यू करके कुछ लोगों को बाहर निकाला है, जिस तरह से आपने देखा कि एक बच्चा जो है उसको चोट लग गई है, वो काफी बीमार है और दवा की भी जरूरत है। हालांकि जिस तरह से यहाँ पर कल पानी भरा हुआ था और लोगों को निकाला जा रहा था, राहत कैंप की यहाँ पर बेहद जरूरत थी कि जिसके रिश्तेदार नहीं है वो लोग आखिर जाएंगे कहाँ, जिसके पास और दूसरा घर नहीं है वो जाएंगे कहाँ, इसलिए राहत कैंप की बेहद जरूरत थी, लेकिन शासन प्रशासन के तरफ से कहीं राहत कैंप की व्यवस्था नहीं की गई, जिसके वजह से लोगों को काफी मुसीबतों का सामना उठाना पड़ा और आज भी लोग मुसीबत का सामना कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को अभी भी जो है खाना और पानी पीने के लिए काफी तकलीफें हो रही है। जिस तरह से महिलाओं ने बताया है कि कोई भी यहाँ का जनप्रतिनिधि उनके इस दर्द में शामिल नहीं हुआ है, ये पानी जो खाड़ी का पानी है, ये पानी जिस तरह से घरों में घुसा था, ये पानी काफी खतरनाक है, ये जहरीला पानी है और इससे कहीं ना कहीं जो है एक बीमारी फैलने के भी अंदेशा लगाया जा सकता है, यानी कि जब ये पानी यहाँ से पूरी तरह से हट जाएगा उसके बाद जो है बीमारी भी फैल सकती है, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन इस पर कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा है। हालांकि जो यहाँ लोग हैं उनकी भी काफी लोगों की बात सामने आ रही है कि उनकी तबीयत खराब, तरफ से कह सकते हैं आप कि पूरी तरह से लापरवाही बरती गई है। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंबई।